चर्चा कर रहा था कि बच्चों को आप अमीर बनाने की कोशिश में हैं, लेकिन संस्कारों से उनको गरीब बना रहे हो। जिन बच्चों के पास संस्कार हैं उन्हीं के पास संस्कृति है, और जिनके पास संस्कृति है उनके पास कभी विकृति नहीं आ सकती। जो विकृत नहीं हुए हैं वो कभी गरीब तो हो ही नहीं सकते, कंगाल तो हो ही नहीं सकते। उनको संस्कारों की पूंजी दीजिए। राम हमारे आदर्श हैं, राम हमारे भगवान हैं, राम हमारे परमात्मा हैं, वह हमारा जीवन है, राम हमारा आदर्श। राम जी ने जो कहा उन बातों के ऊपर हम अमल करें, उन्हें स्वीकार करें। केवलेन य धर्मेण कुटुंब भरणेत सुख यात जीवंतता मिश्रम चरमम तमसः पदम। केवल अधर्म से कुटुंब का भरण पोषण करने में उत्सुक रहने वाले लोग अंधकार के अंतिम छोर तक अंधतामिश्र नाम के नरक में ही वो फेंक दिए जाते हैं, पटक दिए जाते हैं। बड़ा हमें व्यापारी वर्ग सुन रहा है, अधिकारी कर्मचारी लोग सुन रहे हैं, घर में मेहनत की कमाई मेहनत का पैसा लेके आओ। वैसे भी कहा जाता है कि मेहनत का पैसा धन धन दूना हो, नहीं तो चोरी का माल मोरी में निकलता है। शराबी बन जाएंगे, ज्वारी बन जाएंगे, कवाड़ी बन जाएंगे, बीमारियां फैल जाएंगी। और एक बात मैंने और सुनी है, आपने कभी देखा है माता पिता अपराध नहीं करते फिर भी वो बीमार हो जाते हैं? वो कभी कोई अपराध नहीं किए, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जिस माता पिता ने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, बच्चे रिश्वतखोर बन गए, बच्चे शराब पीने वाले हो गए, उल्टा पुल्टा कर्म करने वाले हो गए, माता पिता का दोष ये रहा उन्होंने संस्कार नहीं दिया। बच्चे गलत काम करते हैं उसका माता पिता को भोगना पड़ता है, इसलिए बीमारियां उनको घेर लेती हैं आगे। बहुत बार ये प्रश्न किया जाता है कि हमने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, और हमने तो कभी किसी को कोई कष्ट नहीं दिया, और हम बड़े परेशान हैं, हमें इतनी बीमारियों ने घेर लिया। उसका कारण यह है कि देखिए, एक सिर्फ बच्चों को जन्म दे करके कोई माता पिता बन जाए तो सूकरा कूकरा को तो एक एक दर्जन बच्चे पैदा होते हैं। गृहस्थ में तब ही जाना जब बच्चों को संस्कारित बना पाए, नहीं तो बाहर रहना, लंगोटी कमंडल लेके हरिद्वार पहुंच जाना। गृहस्थ के बहुत बड़े धर्म हैं। बच्चों को संस्कारित नहीं बनाया गया तो बच्चों के किए गए खोटे कर्म माता पिता को आकर के झेलने पड़ेंगे। इसलिए कृपया सावधान, केवलेन ये धर्मेण कुटुंब भरणोत्सुका यात जीवंतामिश्रम चरमम तमसः पदम। अधर्म और अन्याय के द्वारा इकट्ठा किया गया धन उससे परिवार का भरण पोषण करने वाले लोग 100% अंधकार के अंतिम छोर तक अंधतामिश्र नाम के नरक में बहुत बड़ा कष्ट पाते हैं। पैसा आया ये बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसा कैसा आया ये बहुत बड़ी। अधर्म और अन्याय से कोसों कोसों दूर रहने की कोशिश कीजिए, बचने की कोशिश कीजिए।